जिले के गुड़ामलानी में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आरजीटी थाना क्षेत्र के मेगा हाईवे पर नगर गांव के पास हुए इस सड़क हादसे में दो ट्रेलर आमने सामने भिड़ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना के बाद आरजीटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को चिकित्सालय पहुंचाया। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर यातायात दुरुस्त करवाया गया। गुड़ामलानी से अर्जुन दर्ज की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले में शनिवार को एक भीषण हादसा हो गया। हादसे में जहां एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दो अन्य भी बुरी तरह से घायल हो गए। हादसा गुड़ामलानी क्षेत्र से गुजरने वाले मेगा हाईवे पर नगर गांव के पास हुआ। यहां शनिवार को दो ट्रेलर में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रेलर चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद मेगा हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर आरजीटी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों घायलों को निजी वाहन से गुड़ामलानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों की गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया। वही मृतक के शव को कब्जे से लेकर मोर्चरी में रखवाया गया। आरजीटी थानाधिकारी ललित किशोर के मुताबिक एक ट्रेलर सांचौर से बालोतरा की तरफ जा रहा था, वही दूसरा ट्रेलर बालोतरा से सांचौर की ओर जा रहा था। आरजीटी थाने से महज 500 मीटर दूरी पर दोनों ट्रेलर में आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए। वही गुरमीत सिंह पुत्र जगत सिंह निवासी पक्कीखला फरीदकोट की मौत हो गई, जबकि गुरपाल सिंह व इकबाल मजीठा निवासी पंजाब गंभीर घायल हो गए। पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। सूचना मिली कि थाने से करीब 500 मीटर दूर में ट्रेलर आपस में भिड़ गए हैं। अकस्मात दुर्घटना हुई, जिस पर थानाधिकारी और हम भी सब मौके पे गए थे। मौके पे दो घायलों को हॉस्पिटल में पहुंचाया और एक मृतक जिसकी बॉडी मोस्टली देख पाई गई है, और मौके पर जो क्षतिग्रस्त वाहन है उनको सुरक्षित साइड में करवाया गया। गुड़ामलानी क्षेत्र के नगर गांव में मेगा हाईवे पर शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मेगा हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाया और यातायात को सुचारू करवाया।